हर हर महादेव गाइस, और मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखना बारिश हमारा ना हमारे घर में, ये देखो छत पे चढ़े हुए हैं गाइस। पानी रुका हुआ था सारा छत पे से, तो सारे सीलन हो गई, सारी छत मतलब दीवारें खराब होती जा रही थी, इसलिए ये चढ़े। क्या है रस्सी से खेलने के इनके बच्चों के, ये यहाँ चढ़े और सारे ऊपर छत साफ करके आए, सारी गंदी हो रही थी ऊपर चढ़ के। देखो ब्लॉग भी ऐसा है गाइस, आप भी देखोगे तो कहेगा कि हाँ ब्लॉग है, घर का ही ब्लॉग गाइस। देखना ये पाइप में ना सारा पानी रुक गया था और मैं नहीं फेंका होगा, ये ऐसा लग रहा है। तो वहाँ से जाके खोला, इन्होंने पानी रुका हुआ था, तो देखना गाइस कितनी गंदगी निकली है। देखो देखो गाइस, देखो कितनी कीचड़, ये देखो इतनी मिट्टी निकली है जितनी मैंने कभी सोची भी नहीं हमारे घर में इतनी मिट्टी हुई है। ये देखो सारा ये अलग ए गंदगी में लग रहा था, इधर मारूंगी ऐसे, ये तो पानी रोक निकला हुआ था। ये सही कर, गिर जाएगा पागल, क्यों खड़ा है इसे। अब यहाँ से भी मतलब छत लीक हो रही है, तो इसे भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाथरूम की छत लीक हो रही है, इसे सही कर रहे हैं। क्यों मारोगे या वाड़ कवाड़ मत उतार के लिए ऊपर से। ठीक है, साफ सफाई हो रही है, मत पानी खराब कर। मेरे को तो लगता है डर कीड़े फेड़े ना चढ़ जाए, इसलिए ना करने दो साफ सफाई। तो ओके गाइस, ये हमारी प्रॉब्लम है बारिश आने की। तो गाइस जब भी बारिश आती है हमारा नुकसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये देखो अगर आपको दिख रहा हो, ये वही कोना है घर का, ये देखो कितना गंदा हो गया ना गाइस। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब गाटर भी गल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से सोचे चलो ऊपर चढ़ के, पहले नहीं हुआ था ऐसे, पहले होता था मतलब ये जाके खोल आते थे, तो मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि पपड़ी पपड़ी जम जाए, काला फाला हो जाए। ये देखो बेकार हो गई है इस बार दीवार, रिपेयरिंग मांग रही है अब ये। इधर भी देखो इस साल हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ हमारे ऐसे। इस साल देखो सीलन भी दिख रही, सीलन भी। तो गाइस फाइनली साफ कर दिया इन्होंने यहाँ से, देखो एक मिनट। देखो कितनी मिट्टी थी ना उस टाइम, साफ कर दिया इन्होंने। कर दिए साफ सफाई, और हमारे पैर को तो आराम ही ना मिल रहा, बार बार भीग जाता है। बच्चों को स्कूल लानती और उसी टाइम बारिश आ जाती है। देखो अभी दवाई ववाई कुछ नहीं लगा रखी, यहाँ से यहाँ तक सारा दुखता है, और ये भी है, ये भी है, इधर भी है। तो ठीक है गाइस, बस ऐसे ब्लॉग बना लिया मैंने, क्योंकि ये साफ सफाई करने के लिए चढ़ ही रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों अपनी फैमिली को यूट्यूब फैमिली को भी बता दें कि हम भी कितने परेशान हो जाते हैं बारिश से। बारिश अच्छी भी लगती है, परेशान भी हो जाते हैं बारिश की वजह से। इस बार ज़्यादा हो गई, सीलन सूलन हो गई घर में, थोड़ा बेकार सा हो रहा अब घर। ठीक है गाइस, इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, वैसे ही बना लेते घर में। आप लोगों से सारी बात शेयर कर लेते हैं, मैंने कल ये भी दिखाई देते हैं कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, अब सब सही हो जाएगा, साफ कर रहे हैं वो, अब नहीं रुकेगा पानी। मतलब
ये दरार वरार गलने का थोड़ा डर होता है ना। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तो ओके गाइस, ब्लॉग का एंड करते हैं, थोड़ा काम दिखवा लेते हैं। वो बेचारे वहाँ चढ़े हुए हैं ना, अच्छा नहीं लगता ऐसे अकेले अकेले लग रहे बेचारे। मैं तो चढ़ नहीं सकती, सीढ़ियों का जुगाड़ नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे चढ़े, मुझे तो समझ भी नहीं आया कैसे चढ़ गए। गाइस ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।